गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्रेयस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सेकंड टर्म क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 7 का जो चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसी में आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फ्लावर में होगा। ओके, तो फ्लावर के पार्ट जो भी थे, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ये सारी बातें और पॉलिनेशन, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो बातें हमारे बीच में होंगी वो फर्टिलाइजेशन से संबंधित होंगी। सबसे पहले व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? अगर ये पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। क्या होगा? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन, फ्यूजन किसका? मेल और फीमेल गैमेट्स का। सपोज दैट कि ये मेल है और ये फीमेल है। मेल में मेल गैमेट्स होंगे, ये मेल गैमेट। मेल गैमेट इसमें क्या होगा? और फीमेल में फीमेल गैमेट्स होंगे, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या है? पोलन। पॉलन में ही स्पर्म्स हैं, ठीक है। फीमेल गैमेट्स क्या है? एग। और इन्हीं का, ये जो पॉलन है इसी में स्पर्म है, एग और स्पर्म का फ्यूजन और उसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होना, यही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेल गैमेट कैसे फ्यूज होगा फीमेल गैमेट से? पॉलिनेशन में आपने देखा था कि पॉलन जो था वो फीमेल पार्ट पे, फीमेल पार्ट के जो पिस्टिल, जो फीमेल पार्ट था उसके स्टिग्मा में लाई कर रहा था। ये देखिए, ये पॉलन है, ये स्टिग्मा है। एक्चुअली में ये क्या है? पूरा पिस्टिल है। क्या है? पिस्टिल, फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये सारी बातें हो चुकी हैं, पार्ट ऑफ फ्लावर। पिस्टिल जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो होगा क्या? स्टेमन, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है? स्टेमन। स्टेमन में ही जो एंथर होते हैं, एंथर, इन्हीं एंथर में पॉलन होते हैं। तो ये जो पॉलन है यही डिस्पर्स होते हैं। ये पॉलन किसी ना किसी मीडिया के थ्रू, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, और वो हमने देखा था कि वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स जो कि किस लिए विजिट करेंगे फ्लावर को? उनके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। उनको प्रोटीन चाहिए होगा, उनको नेक्टर चाहिए होगा, उनको जूस चाहिए होगा, या फिर कुछ और वजह हो, लेकिन वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से फ्लावर को विजिट करेंगे। ड्यूरिंग द विजिटिंग ऑफ द फ्लावर द पोलेंस विल अटैच टू देयर बॉडी
and then they will visit the another flower. Okay, these pollens will fall on the stigma of that flower, pollination will take place. तो अब क्या हुआ, पॉलन कहां पहुंच गया, स्टिग्मा में. ओके, पॉलन स्टिग्मा में पहुंच गया. स्टिग्मा पे पॉलन पहुंचने के बाद ये पॉलन यहां पे जर्मिनेट करना शुरू होगा. ठीक है, द पॉलन विल जर्मिनेट. अब ये जर्मिनेट करना होगा, पॉलन ट्यूब एक जर्मिनेट करेगी, पॉलन ट्यूब इनहेंस करेगी, बढ़ेगी आगे की तरफ, इलोंगेट होगी. ये जो पॉलन है ये, और ये जो ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर यहां पे डेवलप कर रहा है, इसको हम पॉलन ट्यूब कहेंगे. पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब आगे की तरफ बढ़ेगी, इसमें ये जर्मिनेट करेगी आगे की तरफ, ऐसे ये आगे की तरफ जर्मिनेट करेगी, और इसी तरीके से इलोंगेट होते हुए ये जाके इस इंड से, माइक्रोपाइल इंड से, किसमें, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगी. अब देखो, पहले तो जर्मिनेशन के पहले, पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट के पहले, हमें कुछ इस पार्ट को जो ओवरी है इसके पार्ट्स को समझना होगा. ये तीन पार्ट से बनी हुई है. देखिए, स्टिग्मा है, ये तो रिसीवर हो गया पोलन का. ओके, पॉलन को रिसीव करेगा कौन, स्टिग्मा. स्टिग्मा के बाद ये ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर जो है, जिसके थ्रू ये पॉलन ट्यूब इलोंगेट होगी, अंदर जर्मिनेट होगी. ये पॉलन ट्यूब, ये स्टाइल है, ये जो ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है इसका पार्ट, ये स्टिग्मा और ओवरी को जो जोड़ रहा है, ये क्या है, स्टाइल. ठीक है, स्टाइल के बाद ये जो ओवल पोर्शन है नीचे की तरफ एट द बेस, ये आपका है ओवरी. दिस इज द ओवरी, ये प्लांट की ओवरी है. नेक्स्ट, इसी ओवरी के अंदर ये है ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक. ठीक है, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक. अब इस एम्ब्रियो में देखिए, अंदर की तरफ कुछ सेल्स बने हुए हैं, सेल ही न्यूक्लियाई बने हुए हैं, एक्चुअली में तो ये एक ही सेल है, न्यूक्लियाई बने हुए हैं. देखिए, एग, एग ये नीचे की तरफ, इसमें एग है. ओके, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, और ऊपर की तरफ भी ये तीन न्यूक्लियाई. देखिए, जब भी पॉलन जर्मिनेट करेगा, ये पॉलन ट्यूब से होते हुए पॉलन इस माइक्रोपाइल इंड पे आएगा. ये वाला जो इंड है, माइक्रोपाइल इंड है एक्चुअली में, दिस इज द माइक्रोपाइल इंड. यहीं से जनरली जो नॉर्मल केसेस में ये जो पॉलन ट्यूब है यहीं से इंटर करेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये यहीं से इंटर करेगी, और भी दूसरी दूसरे जगह से, चले जल इंड से भी इंटर कर सकती है, हालांकि अभी ये आपके कोर्स में नहीं है. ठीक है, तो यहां पे देखिए, ये यहां से इंटर करेगी और ये पॉलन यहां पहुंचेगा. पॉलन जैसे ही इसको फ्यूज करेगा एम्ब्रियो सैक को, दो स्पर्म न्यूक्लियाई निकलेंगे, दो स्पर्म्स निकलेंगे. तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, मैं इसको एक अलग ही स्पेस लेता हूं. ओके, देखिए, पॉलन जो है, पॉलन कहां लाई करेगा, स्टिग्मा पे. ये पॉलन स्टिग्मा पे गिरा. ओके, स्टिग्मा पे गिरने के बाद पॉलन ट्यूब जो है वो जर्मिनेट करना शुरू होगी, पॉलन ट्यूब बनना शुरू होगी, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, जर्मिनेट करेगी. ओके,
पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, तो ये पॉलन जो है इसी ट्यूब के माध्यम से, कौन आया, पॉलन है इसके अंदर, पॉलन जो है इसी ट्यूब के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, ओवरी में पहुंचेगा, ओवरी में पहुंचेगा, ओके, ओवरी में पहुंचेगा। ये क्या है, पॉलन ट्यूब ही तो जर्मिनेट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअली में इसको बोलेंगे पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, ओके। पॉलन ट्यूब फर्दर रिलीज करेगी टू स्पर्म्स। ये पॉलन ट्यूब एक्चुअली में पेनेट्रेट करेगी ओव्यूल को, पेनेट्रेट्स द ओव्यूल, पेनेट्रेट्स, पेनेट्रेट्स द ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ है, अभी बता रहा हूं, ओवरी के अंदर, ओवरी पेनेट्रेट करेगी ओव्यूल को, कौन, पॉलन ट्यूब, और रिलीज करेगी किसको, रिलीजेस, रिलीजेस, रिलीजेस टू स्पर्म, टू स्पर्म, ओके। तो दो स्पर्म रिलीज कर रहा है, तो ये एक स्पर्म और ये दूसरा स्पर्म, ओके। तो अभी तक देखिए क्या हमने सीखा, उसको देख लो फिर से, इसको आगे बढ़ने से पहले इसको आप फिर से देख लीजिए। पॉलन स्टिग्मा पे गिरा है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू हो गई। पॉलन ट्यूब जिस समय जर्मिनेट कर रही है, तो जो आपका पॉलन है इसी पॉलन ट्यूब के अंदर से जा रहा है, एक प्रकार से पॉलन ट्यूब क्या है, रास्ता है पॉलन के लिए ओवरी तक पहुंचने का। तो ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रही है और पॉलन उसके अंदर से जा रहा है, ये है क्या एक्चुअली में, पॉलन ट्यूब है। इस पॉलन ट्यूब में क्या है, पॉलन्स हैं, और ये पेनेट्रेट कर जाएगा किसको, जैसे ही ओवरी में पहुंचेगा ये ओव्यूल को पेनेट्रेट करेगा, पेनेट्रेट मतलब चुभ के अंदर चला जाएगा ओव्यूल के अंदर, और जैसे ही ओव्यूल के अंदर जाएगा ये रिलीज करेगा क्या, टू स्पर्म रिलीज करेगा, एक स्पर्म ये है और एक स्पर्म ये है, टू स्पर्म रिलीज करेगा, ओके। दो स्पर्म रिलीज हो गए, इनमें से एक स्पर्म जो है, एक स्पर्म, वन स्पर्म जो एग होगा, ओवरी में जो एग होगा इससे फ्यूज कर जाएगा, इससे इसका फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, ये क्या होगा, फ्यूज करेगा, मिल जाएगा जाके इससे, जब इससे फ्यूज करेगा तो ये एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, मतलब ये फर्टिलाइजेशन हो गया इसका। इसी से फ्यूजन के बाद, देखिए फ्यूजन के बाद ये जो एग है, ये फ्यूजन के बाद क्या बन गया एक्चुअली में, ये बन गया है जाइगोट, स्पर्म और एग। हमने क्या कहा, स्पर्म क्या था, मेल गैमेट था, मेल गैमेट, ये मेल गैमेट था, एग क्या है, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ओके। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को के फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट, यानी कि ये जो एग है और ये स्पर्म है, ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोट बनेगा। जाइगोट एक्चुअली में है क्या, ये फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में है क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो देखिए यहां पे फ्यूजन हो रहा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही आपस में मिल रहे हैं, क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। जाइगोट जो है क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है। फर्दर यही फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग को ही हम, या फर्टिलाइज्ड ओवरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं, फ्रूट बनेगा, फ्रूट, और फ्रूट से ही सीड बनेगा, फ्रूट में ही सीड्स होंगे, ओके। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा,
नेक्स्ट, हमने अभी एक स्पर्म के बारे में जाना कि एक स्पर्म क्या है, एग से फ्यूज हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फर्टिलाइज्ड एग जायगोट बन रहा है, फर्टिलाइज्ड एग होकर बन रहा है, उसके बाद वही फर्दर डेवलप होकर फ्रूट बन रहा है और सीड्स बन रहे हैं, ओके। दूसरा जो स्पर्म है इसका क्या होने वाला है, ये जो अभी उस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, बना भी था, वहां पे दो पोलर न्यूक्लियाई थे, दो फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई थे, यानी कि एक सेल था, उस सेल में दो न्यूक्लियाई थे, एक सेल था और उस सेल में दो न्यूक्लियाई थे, इन्हीं दोनों न्यूक्लियाई को क्या कहा था, पोलर न्यूक्लियाई कहा था, पोलर न्यूक्लियाई, जो कि बीच में बीच में थे ओव्यूल के, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये फ्यूज कर जाएगा, दो तो ये यहां पे आई हैं और ये एक इससे फ्यूज कर गया, हाँ, डिप्लॉइड नेचर का था ये कौन सा डिप्लॉइड न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियाई होंगी, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियाई होंगी ना, हैविंग टू न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियस क्या था, पोलर न्यूक्लियाई हैविंग टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस इसी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हैविंग टू न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई, ठीक है, दो न्यूक्लियाई हैं और एक न्यूक्लियाई ये इसमें स्पर्म में एक न्यूक्लियाई है, दोनों अब इनका फ्यूजन हुआ इस स्पर्म से, इस पोलर न्यूक्लियाई का, न्यूक्लियस हैविंग टू न्यूक्लियाई, इसका फ्यूजन हुआ तो ये क्या बना, इसके फ्यूजन के फलस्वरूप, इसके फ्यूजन के फलस्वरूप ये क्या है, ये दोनों फ्यूज हो गए हैं, फ्यूज हो गए और फ्यूजन के फलस्वरूप क्या बना है, न्यूक्लियस हैविंग थ्री न्यूक्लियाई, एक दो और ये तीन, वन टू थ्री, न्यूक्लियस हैविंग थ्री न्यूक्लियाई, मतलब ट्राई पोलाइड न्यूक्लियस बन गया, ट्राई पोलाइड पोलाइड न्यूक्लियस बन गया है, ट्राई पोलाइड न्यूक्लियस, यही आगे टर्न्स इंटू, टर्न्स बदल जाएगा किसमें, टर्न्स इंटू, इंटू किसमें, इंडोस्पर्म, इंडो यहां पे मैं आ गया हूंगा तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, टर्न्स इंटू इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म बन गया। इंडोस्पर्म एक्चुअली में क्या है, ये जो एम्ब्रियो यहां पे डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो यही जायगोट फर्दर एम्ब्रियो बनेगा, डेवलप करेगा, है ना, तो जो एम्ब्रियो है इस एम्ब्रियो के लिए फूड चाहिए होगा फॉर द डेवलपमेंट वेरी पर्पस, तो ये इंडोस्पर्म का काम है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करना, नरिश करना। तो इंडोस्पर्म का वर्क क्या है, इंडोस्पर्म फॉर फॉर नरिशिंग, नरिशिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, देखिए जिम्नोस्पर्म में तो इस टाइप की कहानी हो जाएगी जैसे पहले मैंने आप बता दिया, ये इस तरीके का एंडोस्पर्म अलग बन गया और ये सीड, लेकिन एंजियोस्पर्म में ये इनक्लोज्ड होंगे, एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म दोनों ही सीड कूट में ही अंदर इनक्लोज्ड रहेंगे, बना रहेगा एंडोस्पर्म और वो सीड जनरेट के लिए, एम्ब्रियो के लिए, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म दोनों ही एक सीड सैप के ऊपर से इनक्लोज रहेंगे, ओके। तो ये सारी बातें जो हैं वो आप फर्दर आगे हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, यहाँ पे जो बताना जरूरी था वो यही था जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको।
पूरे को फिर से देख लेते हैं। पोलन है, पोलन स्टिग्मा पे गिरेगा, ठीक, कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि दोबारा पोलन है, पोलन स्टिग्मा पे गिर रहा है। स्टिग्मा पे गिरने के बाद पोलन ट्यूब जनरेट कर रही है, पोलन ट्यूब के अंदर से पोलन ओवरी तक पहुंच रहा है, ठीक है। ओवरी तक पहुंचने के बाद यही पोलन ट्यूब जो है पेनेट्रेट कर जाएगी किसको, ओव्यूल को, ओवरी में है ओव्यूल, ओवरी के अंदर ही तो ओव्यूल है ना, ओव्यूल को पेनेट्रेट कर जाएगी। जैसे ही ओव्यूल को पेनेट्रेट करेगी इससे दो स्पर्म निकलेंगे, टू स्पर्म्स विल रिलीज्ड, एक स्पर्म ये और दूसरा स्पर्म ये, ठीक है। दो स्पर्म रिलीज हुए, आगे फर्दर देखिए, दो स्पर्म रिलीज हुए, एक स्पर्म क्या करेगा, एग जो कि ओव्यूल में ही होगा, वो एग ओवरी के अंदर एग जो है उस एग से फर्टिला फ्यूज कर जाएगा, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूज हो गया। अब देखिए इसमें डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक तो फर्टिलाइजेशन यहां वन फर्स्ट लाइफ फर्टिलाइजेशन ये हो गया, स्पर्म फ्यूज कर रहा है एग से, दूसरा फर्टिलाइजेशन यहां हो रहा है, ये स्पर्म फ्यूज कर रहा है इस पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओके, तो यहां पे देखिए स्पर्म फ्यूज कर गया एग से, एग के फ्यूजन, यही एक स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, एग क्या है, फीमेल गैमेट है, दोनों फ्यूज कर गए, जायगोट बना, यानी कि जायगोट क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, एग को ही फर्टिलाइज, इसमें इसका न्यूक्लियाई स्पर्म आके इसमें फ्यूज हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जायगोट बन गया है, फर्टिलाइज्ड एग है। ओके, और यही फर्टिलाइज्ड एग फर्दर डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, वो फर्दर फूड बनेगा, फूड से सीड्स बनेंगे। ओके, नेक्स्ट यहां पे जो है दूसरा वाला स्पर्म, सेकेंड स्पर्म, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया ये आपने देख लिया, सेकेंड वाला फर्टिलाइजेशन देखिए, जो सेकेंड स्पर्म है वो फ्यूज कर जाएगा किससे, पोलर न्यूक्लियाई से, और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करने के बाद, ये पहले ही दो न्यूक्लियाई हैं इसमें, न्यूक्लियस हैविंग टू न्यूक्लियाई, उसी को पोलर न्यूक्लियाई कहा गया, ठीक है। जो न्यूक्लियस है अंदर वो तो दो न्यूक्लियाई रख रहा है, तो ये दो न्यूक्लियाई हैं, दो न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर दिया तो कैसा हो गया, ट्रिपलाइड न्यूक्लियस बन गया, क्योंकि दो तो पहले से थी और एक ये स्पर्म की न्यूक्लियाई, ट्रिपलाइड न्यूक्लियस बन गया, और इसके बाद ये टर्न्स इनटू इंडोस्पर्म, ये इंडोस्पर्म में तब्दील हो जाएगा, दिस विल, ये ट्रिपलाइड न्यूक्लियस है और ये जैसे ही ये स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा ट्रिपलाइड न्यूक्लियस बन जाएगा और टर्न्स इनटू इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म बन जाएगा। इंडोस्पर्म का काम क्या भी है, इंडोस्पर्म का काम है फॉर नर्सिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये इंडोस्पर्म होता है। आपने कोकोनट को देखा होगा, कोकोनट का जो पानी है ना इंडोस्पर्म है, ठीक। तो ये प्रोसेस जो था इसको और आप देख लीजिएगा, वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, अगर बात समझ में नहीं आई है तो समझ में आ जाएगी। अब देखिए फ्रूट बन रहा है, प्लांट फ्रूट इसलिए नहीं बनाते कि आप जाएंगे और उनका फ्रूट खा लेंगे, कोई एनिमल जाएगा, बर्ड जाएगी, इंसेक्ट जाएगा, ह्यूमंस जाएंगे, कोई भी जाएगा और उनके फ्रूट्स को खा लेगा। प्लांट का जो मेन मोटो होता है फ्रूट्स बनाने का, वो होता है कि फ्रूट्स के अंदर क्या है, सीड्स हैं। कोई भी एनिमल, इंसेक्ट या फिर कोई बर्ड प्लांट के पास क्यों आएगा भैया, कुछ ना कुछ उसको मिल रहा है, उसके सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से आएगा, तो उस सेल्फ इंटरेस्ट में मतलब फूड स्टोर है फ्रूट में, तो उस सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जब भी कोई प्लांट के फ्लावर को, प्लांट प्लांट पे विजिट करेगा, वेदर इट इज इंसेक्ट, वेदर इट इज बर्ड, वेदर इट इज एनी एनिमल, जब वो उसको विजिट करेगा फॉर द फ्रूट वेरी पर्पस, कि उसको फ्रूट फ्रूट खाना है, फ्रूट पाना है, तो वो उस फ्रूट को ले जाएगा, खाएगा, तो जो सीड्स हैं वो
इधर उधर फैला देगा या कहीं दूसरी जगह जाएगा तो वो सीड्स को फैला देगा, या बहुत सारे एनिमल्स पूरा उसको फ्रूट को खा जाएंगे, तो जब वो स्क्रीट आउट करेंगे तो उनके स्क्रीशन में वो सीड्स निकलेंगे, ठीक है? तो वो जहां पे भी स्क्रीट आउट करेंगे वहां पे उस सॉइल में सीड्स जाएंगे और फर्दर नई जगह पे उस प्लांट का निर्माण, वो सीड जर्मिनेट होगा और प्लांट का निर्माण हो जाएगा। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की वजह से ये फ्रूट्स का निर्माण होता है, ठीक है? तो फर्टिलाइजेशन में अब कोई बात ऐसी नहीं है जो बताने के लिए हो आपके लेबल की। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म ए जायगोट, ये जायगोट बनता है, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यहां पे देखा क्या, मेल गैमेट क्या था आपका? पोलन था, पोलन में ही क्या थे, स्पर्म्स थे, ठीक है? तो मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है एक्चुअली में, और फीमेल गैमेट क्या है? एग है। एग और स्पर्म का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया और जायगोट का निर्माण हो गया, ठीक है? ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डेवलप्स, ठीक? ये जायगोट बन गया, जायगोट फिर डेवलप होगा किसमें? एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और इस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की जरूरत होगी फॉर द नरसिंग वेरी, क्योंकि इम्ब्रियो को चाहिए फूड फॉर द डेवलपमेंट। तो इसको फूड कहां से मिल रहा होगा? वो वहां से मिल रहा होगा, एंडोस्पर्म से। द ओव्यूल देन डेवलप इन टू द सीड, और ये ओव्यूल इम्ब्रियो डेवलप करेगा किसमें? ओव्यूल में, और फर्दर ये ओव्यूल डेवलप करेगा किसमें? सीड में, और सी एंड द ओवरी डेवलप्स इन टू द फ्रूट, और ये जो ओवरी है वो फ्रूट्स में तब्दील हो जाएगी। मतलब ये जो देखिए यहां पे फिर से आइए, ये फ्रूट में ही सीड्स हैं, ये फ्रूट में ही सीड्स हैं। देखिए फर्टिलाइज्ड ओवरी को ही हम फ्रूट कह रहे हैं, और उसमें क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल सीड में जर्मिनेट करेगा, फर्टिलाइज्ड ओवरी, ओवरी जो है फर्टिलाइज्ड ओवरी, फ्रूट को ही फर्टिलाइज्ड ओवरी कहा जाता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी। और इसी में जो ओव्यूल है, ओव्यूल ये सीड में जनरेट करेगा, और फर्टिलाइज्ड ओवरी, ये फर्टिलाइजेशन हो गया ना, एग का फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब यहां पे फर्टिलाइज्ड ओवरी यही फ्रूट में डेवलप हो गई, और ओव्यूल जो इसके अंदर है वो सीड में डेवलप हो जाएगा, ओव्यूल सीड में डेवलप होगा और फर्टिलाइज्ड ओवरी फ्रूट फ्रूट में डेवलप होगी। मतलब फर्टिलाइज्ड ओवरी को ही फ्रूट कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है आज के डिस्कशन का वो है डिस्पर्सल, लेकिन डिस्पर्सल अगर हम चर्चा करेंगे तो उतना सही से हो नहीं पाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही काफी है। सेल्स साइंस क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ओके? इससे क्या होगा, आपको रेगुलर टाइम पे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ठीक है? ओके देन, आज के लिए इतना काफी है, आप सभी का दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।